तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, आपके मोटर को जो है सो ये हमारा डीसी मोटर हो गया, और पावर सप्लाई के लिए, पावर ट्रांसमिशन के लिए हमने यहाँ पे एक रबर का बैंड लगाया है जो कि काफ़ी लूज होना चाहिए। अगर टाइट रबर का बैंड लगाएंगे तो आपका डीसी मोटर जो है हार्ड चलेगा। जब ये हार्ड चलेगा तो ये स्पीड ही नहीं पकड़ेगा या स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब भी आप इस प्रोजेक्ट करेंगे तो इसको हमेशा लूज रखेंगे। लूज रखने से फ़ायदा ये होता है कि ये जो है सो आसानी से स्पीड पकड़ लेता है या आसानी से चलता है, और हार्ड रहेगा तो स्पीड नहीं पकड़ेगा। हमारे पास 4 वोल्ट के एक डीसी मोटर है, और अब आपको मैं इसको रन करके बता देता हूँ कि देखिए चल रहा है ना ये, देखिए देखिए थोड़ा सा ये स्लो चल रहा है, पता नहीं लोड लेगा कि नहीं लेगा, लेकिन ये चल रहा है। ओके, तो अब इसको हम लोग सेट करेंगे, फाइनल सेटअप करेंगे अब इसको। देखिए बस एक ही दिक्कत आ रही है कि ये लोड लेने में प्रॉब्लम कर सकता है। हाँ रुक रहा हूँ, लोड लेने में प्रॉब्लम कर सकता है ये, बाकी ऐसी कोई इशू हमें दिखाई अभी फिलहाल के केस में नहीं दे रही है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इसको फाइनल डन करने वाले हैं, और आपको एक बार फाइनल दिखा देते हैं। ये चल क्यों नहीं रहा भाई, चलो यार। हाँ मेन दिक्कत ये है, पावर ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही है। पावर ट्रांसमिशन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो ये स्लो हो जाएगा और चलेगा नहीं। जैसे ये फंस रहा है ना, ये देखिए पावर ट्रांसमिशन में ही प्रॉब्लम है मेन, क्योंकि बाकी ये चल तो रहा है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन पावर ट्रांसमिशन नहीं होगा प्रॉपर रूप से तो दिक्कत जाएगी। और वही चीज़ मेन यहाँ पे दिखाई दे रही है कि पावर ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम जा सकती है। मोटर गर्म भी हो रहा है यहाँ पे, ये हिल गया। अच्छा यहाँ से स्लो, यहाँ से ये भी है, ये भी एक दिक्कत आ रही है। तो हमारे पास में देखिए अब हमारा फाइनल प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। रेडी इन द सेंस कि अब मैं आपको फाइनल दिखा रहा हूँ। 4 वोल्ट की बैटरी है, और ऑन ऑफ के लिए मैंने यहाँ पे ये मैकेनिज्म लगा कर रखा है, ये ऑन और ऑफ के लिए यहाँ पे। इसको और ज़्यादा मैं कल फाइनल कर दूंगा, क्योंकि बैटरी को मैं इस बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। यहाँ पे बैटरी डल जाएगी और उसके बाद में ऑन ऑफ आराम से हो जाएगा यहाँ पे। और आपको बता ही चुका कि मोटर मैंने यहाँ पे रख दिया है इसको, और एक बार मैं आपको कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि इसको रन करके आपको दिखा दे इस प्रोजेक्ट को, और फिर जो है सो मैं आगे बढ़ जाऊँ। और देखिए ये शोल्डर के बिना बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, तो कल एक शोल्डरिंग का तो शोल्डरिंग वाला मटेरियल तो कल लेना ही पड़ेगा, और उसके बाद ही हमारी आगे कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि बिना सोल्डरिंग के कोई काम ही नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। ओके, और चलिए एक बार मैं इसको चालू करता हूँ, और चालू करके आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा दिक्कत, मेन दिक्कत सोल्डरिंग का है, क्योंकि सोल्डर नहीं रहता है ना तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है आपको चीज़ों को मेंटेन करने में। अब देखो यहाँ पे ही उधर से जैसे ये चालू हो गया हमारा है, जैसे ये मोटर हमारा चल तो रहा है, लेकिन ये लूज है, ठीक है, तो लूज है जिसके कारण ये, अच्छा ये ओ माय गॉड सेट लफड़ा हो गया। सुन रही तू, बहुत बड़ी लफड़ा हो गया, पूरा का पूरा मोटर उल्टा कनेक्ट हो गया। चल तो रहा है वो सब कुछ, लेकिन मोटर ही उल्टा कनेक्ट हो गया, बैक चलेगी फॉरवर्ड नहीं चल पाएगी सबसे। देखिए ये जो है हमारा, ये प्रोजेक्ट अब हमारा रेडी हो गया है, और देखिए ये चल भी रहा। वो बार बार बैटरी गिर रही है, मेन प्रॉब्लम आ रही बैटरी की, बाकी तो ये चलने लगा है, और कहीं से ना कहीं से ये छूट गया कनेक्शन इसका, और ये डिस्टर्ब हो गया, नहीं तो ये बढ़िया चल रहा था। कहाँ से छूटा है, ये वाला कनेक्शन छूटा है ना, देखिए ये।
देखो अभी चल रहा, देखो चल रहा आपका रेल, रुको देखिए, हाँ देखो ये ऊपर से जो है ना, यहाँ से सप्लाई दो, तो ये देखो ये चल रहा है, फाइनल हो चुका है, और लो चल तो रहा है, लेकिन ये जो है यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। क्या प्रॉब्लम है? इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, दे दो, कहीं से प्रॉब्लम आई है, रुको दे दो पापा, ले लूँ? नहीं अभी नहीं, क्यों? अभी थोड़ा उसको और कर लेना।